मैथी आंदोलन के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण की अनूठी सौगात देने वाले कल्याण सिंह रावत ने चिपको आंदोलन की धरती से पेड़ों और जंगलों की उपयोगिता का एहसास दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मैथी आंदोलन को सराहा था, इसलिए पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मैथी आंदोलन के लिए कल्याण सिंह रावत को दिल्ली में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के बिनोली गांव के रहने वाले कल्याण सिंह रावत को पेड़ों और जंगलों के प्रति लगाव उन्हें विरासत में मिला। चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के बिनोली गांव के रहने वाले कल्याण सिंह रावत को पेड़ों और जंगलों के प्रति लगाव उन्हें विरासत में मिला। यही नतीजा है कि वो प्रकृति की ओर खींचते चले गए। पर्यावरण संरक्षण की अनूठी सौगात देने वाले कल्याण सिंह रावत को अब भारत सरकार उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजेगी, जहां इस पुरस्कार के लिए उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया। भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया जाना ये अपने आप में एक बहुत गौरवपूर्ण विषय है। मैं पूरे भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही वो पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वहीं जब सीमांत जनपद चमोली में चिपको आंदोलन अपने चरम पर था, तब 26 मार्च 1974 को वो 150 लड़कों को लेकर भारी बारिश में ट्रक में बैठाकर गोपेश्वर से चिपको आंदोलन में शामिल होने जोशीमठ पहुंचे। आंदोलन सफल हुआ तो कल्याण सिंह रावत अभिभूत हुए और मन में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करने की ठान ली, जिसके तहत उन्होंने समय समय पर कई कदम उठाए, जैसे उत्तरकाशी में भयंकर सूखे के दौरान वृक्ष अभिषेक समारोह मेले का आयोजन किया, तो वहीं स्कूली बच्चों को मैथी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। फिर धीरे धीरे समूचा गांव, फिर प्रदेश और फिर देश इस कार्य से प्रेरित हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि मैथी आंदोलन है क्या, जिससे पर्यावरण को संरक्षण मिल रहा है। गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन को एक फलदार पौधा दिया जाता है। वैदिक मंत्रों के बीच दूल्हा इस पौधे को रोपता है, दुल्हन इसे पानी से सींचती है, पेड़ को लगाने के एवज में दूल्हा दुल्हन की सहेलियों को कुछ पैसे देता है, जिसका उपयोग पर्यावरण सुधारक कार्यों, समाज के निर्धन बच्चों के पठन पाठन में किया जाता है। यह आंदोलन 1995 से ग्वालदम से शुरू हुआ था और वहां से इसकी एक नई परंपरा आगे बढ़ी और एक पेड़ एक शादी में यादगार के रूप में लगने लगा। माँ और बेटी के प्यार को जब शादी पर एक बेटी पेड़ लगा करके जाती है तो उस पेड़ को बचाने का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो माँ का होता है, क्योंकि माँ कभी अपनी बेटी के पेड़ को सूखने नहीं देगी, उसे जिंदा रखेगी, पिताजी उस पेड़ को बचाएंगे। वहीं जिस तरह से इस आंदोलन को रफ्तार मिल रही है, युवा इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उससे कल्याण सिंह रावत भी बेहद खुश हैं। मैं उन बहनों का जो इस आंदोलन को आज भी गति दे रहे हैं, उन नवयुवकों का जो आज भी पेड़ लगाने पर लगे हैं बिना किसी के इंतजार के, अपने गांव में एक नई परंपरा डाल रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये सम्मान उनका सम्मान है। मैथ का अर्थ होता है मायका और मैथी का अर्थ होता है मायके वाले। इस आंदोलन से पहाड़ की महिलाओं का अपने जल, जंगल और जमीन के प्रति असीम प्यार चरितार्थ होता है। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है और इसके भावी खतरों से पूरा विश्व खौफजदा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली जनपद का मैथी आंदोलन एक बड़ी मिसाल कायम करता है। R9 TV, अजीत कम्बोज, देहरादून, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।